हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अरबाब हसन और मेरा नाम है हुसैन अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने प्यारों में आबाद होंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हम आपके लिए डिफरेंट रिएक्शन वीडियो लेके आते रहते हैं। मूवी ट्रेलर्स होते हैं, क्लिप होते हैं, शॉर्ट क्लिप, फनी क्लिप होते हैं, रिएक्शन वीडियोस वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वगैरह। हाँ, काफी कुछ होता है काफी कुछ होता है बहुत ज्यादा, काफी और काफी सारी जी और काफी सारी पीते ये चीज है जबरदस्त। अच्छा, तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं। हाँ, आज हम और बाई एयर नहीं जा रहे, सिर्फ वीडियो पे ट्रैवल टू इंडिया, ठीक है। क्योंकि बाई एयर अगर जहाँ जाए तो हमें पासपोर्ट वगैरह वो सब पता नहीं इंडिया वाले घुसने देंगे या नहीं, बिल्कुल। पर खैर, डॉक्यूमेंट्री पे हम आज रिएक्शन करने जा रहे हैं जी। ये तबीर वालों की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है, सारा उन्होंने बनाया है सब कुछ, वो शायद मखूद टूर वगैरह करने उन्होंने सारे ये क्लिप वगैरह इकट्ठे किए हैं और हम इस पे रिएक्शन देंगे। सो वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखते हैं मिलकर वीडियो क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, जिसका फायदा ये होता है कि फायदा क्या होता है जी? फायदा यही है कि सर उन तक वीडियो पहुंच जाएगी टाइम से। पहुंचती किस तरीके से है वो भी तो बताओ ना। सीधा सीधा बस जब आपने उसे क्लिक करना है ना तो आपको ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके यूट्यूब चैनल के दरवाजे पे दस्तक होगी। नॉक नॉक नॉक, कौन है? पूरा दड़ाल दड़ाल लोग। तो हमारी वीडियो कहेगी कि हम हैं एक्सपर्ट रिएक्शन बॉयज वाले, हाजिर हैं आपके दर पे, वीडियो लेके पूरी शॉपर में डाल के ले आएंगे, चलो पैक करके फ्री होम डिलीवरी सर। फ्री होम डिलीवरी होती है बेल आइकन की वजह से, नहीं तो पैसे लगते हैं आपको, सर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री किस तरह की है, इंडिया कैसा है। आज हमने फर्स्ट टाइम इंडिया की डॉक्यूमेंट्री देखनी है, सीधी सी बात है। और क्या बात है, इंडिया जाके चलते हैं, मिलके चलते हैं। हाँ, तुसी भी आ जाओ सर। हाँ, आ जाओ। हाँ, पूरी राजा बोकरा ही आई हो। मिल के चलने हैं, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, रल के चलने हैं। कभी कभी पंजाबी का भी टच अंदर देना पड़ता है यार, क्योंकि जुबान है इस वजह से ऐसी। हाँ, वो ना अंदर से ना वो उलझन सी होती है। उर्दू बोल बोल के ना इस वजह से यार, असल उर्दू बोल बोल के ना साड़ी दाड़ा पीड़ करा दाड़ा पीड़ कर तो वर्दिश करानी होती है इस वजह से ना, और कोई गल नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता काम से, समझ रहे हो सारे। सो बगैर टाइम लगा के चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। पहले उन्होंने सारे आइकन दिखाए हुए हैं ना, क्या क्या चीज है, तुम उसकी वो देखो, क्रिएशन देखो, ये वाली नहीं, ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की दिखा रहा है। तो काम देखो उसने क्या किया हुआ है भाई, ओहो। अच्छा, फुल स्टार्टिंग से, अच्छा स्टार्टिंग से ही जो है ना लैंड हो रहा है इंडिया में। ओह वाओ, इंडिया। सो ताबीर टीवी के सभी मुअज्जिज़ नाज़रीन और सामईन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुअज्जिज़ दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं पाकिस्तान के हमसाया मुल्क, दुनिया में सबसे बड़े जमहूरियत और दुनिया में आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क इंडिया की। इंडिया, मैं आपको इंडिया की तारीख, मशहूर मकामात, सियासी मंजरनामा के साथ साथ मालूमात भी फराहम करूँगा जो तफरीह के साथ साथ आपके इल्म में इजाफे का सबब भी होगी। लेकिन मेरी तमाम नए आने वाले मुअज्जिज़ दोस्तों से इल्तमास है, सेम ही है यार उधर भी, बिल्कुल कल्चर सेम है, सारा सीन सेम है, घंटी की अलामत माहौल भी, मतलब मगर वहाँ से कोई आया यहाँ से कोई जाए ना, एडजस्ट करना उसे मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, वो कर सकता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है क्या? इंडिया का नाम इंडस दरिया की बदौलत रखा गया। इंडिया 32,87,263 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का सातवां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 1,32,41,71,354 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के एतबार से इसका दुनिया में दूसरा नंबर है। ओहो, दूसरा नंबर। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी और हिंदुइज्म मुल्क है। हिंदू, हाँ। यूएसए के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी जुबान भी इंडिया में ही बोली जाती है। इंडिया ने 1947 को बरतानिया से मुकम्मल आजादी हासिल की। इंडिया का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। तिरंगा, तीन रंगा, बिल्कुल। अब समझ आई ये तिरंगा, वैसे फिल्मों में सुना हुआ है। पाकिस्तान तिरंगा लहराया, तिरंगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव,
थाईलैंड और इंडोनेशिया के जज़ीर से मिलती हैं। जज़ीरे में अगर इंडिया के दिलचस्प हकैक के बारे में बात की जाए तो इंडिया एटमी पावर होने की वजह से इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी पावरफुल आर्मी शुमार होती है। ये मुल्क दुनिया में दिफाई बजट खर्च करने वाला पांचवां बड़ा मुल्क है। इंडिया दुनिया में आर्मी की तादाद के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क है। गुड। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। मुल्क में बेशुमार सिनेमा घर मौजूद हैं। बॉलीवुड दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान भी इंडिया में मौजूद है। ये मैदान हिमाचल की पहाड़ी पर बनाया गया है, जो सुबह समंदर से 7,332 फुट की ऊंचाई पर है। इंडिया की कबड्डी टीम को दुनिया की सबसे ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर टीम समझा जाता है। समझ रहे हो? दुनिया में होने वाले पांच आलमी मुकाबलों में पांचों मुकाबले इंडियन कबड्डी टीम ने ही जीते हैं। इंडिया की दंगल कबड्डी टीम भी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती है। मुल्क की क्रिकेट टीम भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। बिल्कुल, पर इस दफा गंदे हुए हैं। कुछ नहीं कह सकते हम, क्या करें। हां बिल्कुल, आज वो तो हम सैर कर रहे हैं ना वहां पे, इस वजह से सबसे बड़ा डाक सिस्टम भी इंडिया में है। मुल्क में 115,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। अच्छा, दुनिया का वाहिद पानी पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी इंडिया में। पानी पर तैरता हुआ मकबूजा कश्मीर में डल झील की डाक कश्ती बना के ले जाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा असकाते हमल इंडिया में होता है, जिसकी बुनियादी वजह सेहत की बुनियादी सहूलतों की वाज़े कमी है। यहाँ पर हर एक मिनट में 34 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि हर एक मिनट में 10 लोगों की मौत होती है। मिनट इंडिया की रहने वाली एक खातून शकुंतला देवी को एक प्रोग्राम में 13 हिंसों पर मुश्तमिल सवाल देखो ना, जिसे जर्ब देना था। शकुंतला देवी ने सिर्फ 28 सेकंड में इसका जवाब दे दिया, जिसके बाद इसे इंसानी कंप्यूटर टैलेंट है। ये बात है, टैलेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जी खाने वाले लोग भी इंडिया में पाए जाते हैं। वेजिटेरियन, एक ऐसे ना शाकाहारी, इंडिया की कुल आबादी के 40% लोग सब्जी खोर हैं। सब्जी खोर हैं। इंडिया के गंगा सीमेंट पर दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील इस्तेमाल किया गया। अगर इसे एक लाइन में सीधा रखा जाए तो इसकी लंबाई हमारी दुनिया के कतर के बराबर हो जाएगी। जितनी मशीनरी और लोगों ने यहाँ पर काम किया, इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि अगर एक आदमी इसको तामीर करता है तो इसे 2,51,00,000 साल लग जाते। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वजन कमोबेश 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। लगने वाला मेला कुंभ दुनिया इंसानों का सबसे बड़ा इज्तम होता है। बिल्कुल, 7,50,000 के करीब लोग जमा होते हैं। ये मेला इस इज्तम को खला से भी देखा जा सकता है। इंडिया दुनिया में दूध पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है, जबकि चाय पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क शुमार होता है। चांद पर पानी तलाश करने वाला पहला मुल्क भी इंडिया है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस USB भारतीय इंजीनियर अजय भारतीय यार। सबसे पहले दुनिया में हीरो की एक लाइक बनता है इसकी वजह से 1896 का हमारी होती यूजली पाए जाते थे। दुनिया की सबसे छोटी लड़की इंडिया में रहश पसंद। हाँ, ये इसकी अक्सर वीडियो देखते हैं, ये भी जो जान सी है, छोटी सी। 2011 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यार उन्होंने बिना बस गिनीज वाला बड़ा खानदान भी इंडिया में पाया जाता है। सबसे बड़ा खानदान, इस खानदान का सरबराह ट्रॉली स्टाइल की है ना, जिसका ताल्लुक ईसाई मजहब से है। इसकी 40 बीवियां और 94 बच्चे हैं। इसका घर 4 मंजरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 कमरे या खानदानी की रिकॉर्ड में शामिल है। इंडिया का कौमी जानवर बंगाली टाइगर और कौमी परिंदा मोर है। स्कूल भारतीय शहर लखनऊ में वाकई है। लखनऊ जहाँ पर पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद 45,000 से भी ज्यादा है। मुल्क में 2014 के इंतखाबात में 54 करोड़ लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये तादाद पाकिस्तान, अमेरिका और न्यूजीलैंड की आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी इंडिया के सुपर तमिलनाडु में वाकई है। इसकी कैपेसिटी 650 मेगावाट है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया के शहर गुजरात में है। गुजरात पाकिस्तान में है। तारीखी एतबार से इस खित्ते जमीन कई ऐसे हैं इलाके जो मिलते हैं, मोरिया, गीत और मुगलिया कैंप में।
जिनकी तहत सारा हिंदुस्तान मुतहद हुआ। मुसलमानों ने इस इलाके पर तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की और अपने मजहब, सकाफत और इकदार से यहाँ के लोगों के दिलों पर गहरे असर छोड़े। लेकिन 18वीं सदी में तिजारत की गर्ज से आने वाले अंग्रेज यहाँ के मालिक बन बैठे और 150 साल तक बरेसगीर पर हुक्मरान बनकर मुसल्लत रहे और आखिरकार यहाँ के लोगों की अंतक कोशिशों से 1947 को बरेसगीर दो हिस्सों में तकसीम गुलामी से आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत ने साम्राज्य से आजादी हासिल की। सेम ही दिन हुई है ना यार, सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ा, 14 डाला है, ये खुद डाला उन्होंने। 1948 को भारत के मुमताज सियासी, आजादी और मजहबी रहनुमा गांधी जी को एक इंतहा पसंद हिंदू नथे राम ने कत्ल कर दिया। अच्छा, हिंदू नहीं, अपना लीडर मार, जंग छिड़ गई। लेकिन 21 नवंबर को चीनी फौज ने एकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया। 1965 और 1971 में चंद बैरूनी साजिशों की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई। 1992 में की शहादत का वाकया पेश आया जिसमें सैकड़ों मुसलमानों की शहादत भी हुई। मई 1998 में भारत ने 5 एटमी धमाके किए। 2001 में भारत ने आकाश और नाग मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कहा जाता है कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल और पहला सैटेलाइट बैलगाड़ी पर ले जाया गया। वफाकी इलाकों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी कानून साज असम्बली होती है और रियासत का सरबराह गवर्नर होता है जो मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकरर किया जाता है। अच्छा, मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत राज है। मुल्क में आईनी सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वजीर आजम होता है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। शुरू तो नहीं है, दिल्ली बेंगलोर, नागपुर, पुणे, आगरा और बनारस वगैरह शामिल हैं। इंडिया की बनारस का वो कौन है, लेकिन अंग्रेजी जुबान ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा मुल्क में 1000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सिर्फ 16 जुबानों को कौमी जुबानों का दर्जा दिया गया है। अच्छा। जिनमें उर्दू जुबान भी शामिल है। इंडिया की उर्दू जुबान कौमी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 79 लश्करी जुबान है ना, ये मुख्तलिफ लोगों से मिलकर। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मुल्क है। इसके अलावा मुल्क में 14.23% मुसलमान, 2.30% ईसाई, 1.72% सिख, 0.7% बौद्ध और बाकी छोटे छोटे मजाहिब के पैरोकार शामिल हैं। इंडिया में मजहब एक ऐसा मजहब है जो अपने मुर्दों को टावर ऑफ साइलेंस नामी जगह पर रख आते हैं, जहाँ पर इन मुर्दों को जंगली जानवर और गेंद वगैरह नोच नोच कर खा जाते हैं। इसी कबीले के लोग जो शमशान घाट के कुर्ब जवार में अपनी रहायश रखते हैं, जब किसी मुर्दे को जलाया जाता है तो ये इसका गोश्त खाते हैं और इसकी खोपड़ी में अपना पेशाब पीते हैं। ये काम वो सिर्फ काली ताकतों और जादू को हासिल करने के लिए करते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मोईशत के एतबार से दुनिया में 6 नंबर पर आने वाला मुल्क है। 2014 में गैर मुल्की करेंसी की तरसील में भारत दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क था। इंडिया की जरी मसनूआत में चावल, गंदम, तेल, कपास, पटसन, चाय और आलू शामिल हैं। मुल्क की बड़ी सनतों में टेक्सटाइल, टेली मवासलात, केमिकल्स, दवासाजी, बायोटेक्नोलॉजी, खुराक की प्रोसेसिंग, स्टील, ट्रांसपोर्ट का सामान, सीमेंट, कानपुनी, पेट्रोलियम, मशीनरी और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इंडिया की दरामदात में खाम तेल, मशीनरी, जवाहरात, खाद और टेक्नोलॉजी के वाले से काफी। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टेक्सटाइल में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। जबरदस्त। मुल्की मादनियात में कोयला,
लोहा, तांबा और एल्युमिनियम काबिले जिक्र है। दुनिया के लोहे के जखायर का 25% सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। मुल्क में ईंधन की 60% जरूरियात मुल्की वसाइल से पूरी की जाती है। 2017 में एक बैन अल-अक़वामी इदारे ने 160 मुख्तलिफ अशिया की कीमतों का मुवाजना किया, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत जिन शहरों में पाई गई वो शहर इंडिया के थे, जिनमें इंडिया की कुल GDP 10.401 trillion $ है, ट्रिलियन, जो दुनिया के तीसरे नंबर पर आने वाली GDP है। GDP इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपए कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1.93 रुपए के बराबर है। एतबार से इंडिया में मौसम गर्मा और मौसम सरमा लेकिन खिजां के साथ साथ मौसम बहार भी अपने जोबन के रंग भरपूर तरीके से दिखाता है। अक्टूबर में मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में मौजूद ताजमहल सैरो सियाहत के साथ साथ गुजरे वक्त के फन और लाजवाल मोहब्बत की दास्तान की अजीम मिसाल पेश करता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री शुमार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन फिल्में उर्दू, असामी, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलु जुबान में बनाई जाती है। इतनी जुबान है। मुल्क में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का आगाज 1959 में हुआ। इंडिया के मशहूर मजहबी त्योहारों में दिवाली, होली, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, क्रिसमस और वकीशी सरे फहरिस्त हैं। मुल्क में 3 कौमी तासीलात हैं, जिनमें आजादी का दिन, जमहूरिया का दिन और गांधी जी का जन्मदिन शामिल है। इंडिया के खानों में चावल, गंदम की रोटी, ना करो यार, शाम की सब्जियां, दालें, साग, इंडिया का कौमी फल आम और कौमी डिश खिचड़ी है। इंडिया में तालीम 0.4% है। इंडिया में जिंदगी की औसत शरह 68 साल है, जिसमें औरतों की शरह जिंदगी 69.6% और मर्दों की 67.3% के लिए 50 डॉक्टर दस्तियाब हैं। इंडिया की तारीखी मकामात में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, मैसूर पैलेस और हवा महल सरे फहरिस्त हैं। वक्त के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है। 30 मिनट टाइम भी आगे उनका। टाट IN और कालन कोड +91 है। इंडिया के बारे में कुछ मालूमात लेकर वीडियो लंबी होने के पेशे नजर हम बहुत से मकामात और बहुत सी चीजों के बारे में तफसीलात नहीं बता सके। क्यों? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार जरूर करें, ताकि हम इसका दूसरा पार्ट बनाने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे, जिसमें आपको इसमें रह जाने वाले मालूमात से तफसीली आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल मेरी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाजत। अल्लाह निगेबान। अल्लाह निगेबान मेरे भाई। वेरी नाइस। अच्छा बैंड पे वो झटके दिखा रहा है। आप तो झटके बड़े खतरनाक होते हैं। यार कोई इतना फर्क नहीं, वही है, सब कुछ सेम है, ऐसी है। सो ये थी इंडिया की हिस्ट्री, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल की, हमें भी कुछ नए पॉइंट्स थे, बहुत कुछ मिला है यार, खुदा के बंदे। और उसका कल्चर, मतलब हम मूवियों तक थे, महदूद थे, कि उसमें जो जो जिक्र होता है वही है, मतलब हमने कभी उसको सर्च करने की कोशिश नहीं की ओरिजिनल में, यार क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या क्या वहाँ पे इलाके हैं, किस तरह के शहर हैं। मुंबई का हमें पता है क्योंकि वो मूवियों में दिखाते हैं, और आगरा हो गया, आगरा भी दिखाते हैं मुंबई, हाँ, फिर ये पूना के क्या नाम है इसका यार, दिल्ली, ऐसे बड़े से हैं। दिल्ली गेट तो भी है लाहौर में, दिल्ली गेट वो गाना भी है ना, छड़े आने दिल्ली लूटी, समझ रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो, डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया की, और हमें बहुत सी मालूमात मिली है, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मालूमात मिली होगी इंशाल्लाह, जो पाकिस्तानी हैं उनको मालूमात मिली होगी, और जो इंडियंस हैं वो तो फिर रहते हैं, उन्हें जरा खुशी मिली होगी थोड़ी सी। सो आज के लिए इतना ही था,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, फी अमान अल्लाह, अल्लाह ने कृपा।